गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट तालुका अलन से कांग्रेस एमएलए बीआर पाटिल ने पत्रिका भवन में प्रेस मीट कर कहा, कर्नाटका कृष्णा ग्रामीण बैंक किसानों से लोन के नाम पर 10 गुना ज्यादा इंटरेस्ट वसूल कर रहा है। यानी किसान 1 लाख का लोन लिए हैं तो उनसे ये बैंक 10 लाख रुपया वसूल कर रहा है। एमएलए बीआर पाटिल ने कहा, कर्नाटका कृष्णा ग्रामीण बैंक ने अब तक किसानों को कुल 54 लाख का लोन दिया है और किसी वजह से परेशान किसान लोन अदा न कर सके तो उनसे इंटरेस्ट के नाम पर 10 गुना ज्यादा वसूली की जा रही है। पिछले 8 महीने से किसान इंसाफ की मांग कर बैंक के सामने एहतजाज कर रहे हैं। एमएलए बीआर पाटिल ने कहा, इस बैंक का मेन ब्रांच बेल्लारी में मौजूद है और 21 अगस्त को बेल्लारी के मेन ब्रांच के सामने किसानों के बड़े नेता राकेश टिकैत और दीगर किसान नेताओं के साथ बड़ा एहतजाज किया जाएगा और 22 अगस्त को चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया से मुलाकात कर किसानों के सपोर्ट में मेमोरेंडम दिया जाएगा। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय पीस इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल ब्रांच हगरगा रोड एंड मिसबा नगर गुलबर्गा। स्टूडेंट्स गेटिंग एजुकेशन फॉर बोथ द वर्ल्ड्स। बेस्ट एकेडमिक इंग्लिश एजुकेशन। डिप्लोमा इन अरबिक। 2023 एडमिशन स्टार्टेड। कॉन्टैक्ट एंड विजिट स्कूल फॉर मोर डिटेल्स। कर्नाटका ग्रामीण बैंक एक शेड्यूल बैंक है, इसका हेडक्वार्टर बेल्लारी में है। पहला कृष्णा ग्रामीण बैंक था, बाद में बैंक को अमलगेशन करके कर्नाटक ग्रामीण बैंक बनाया। तो इसके तहत 2015 से किसानों को क्रॉप लोन दिया गया है। किसानों को टोटल 54 लाख लोगों को कर्जा दिए किसानों को क्रॉप लोन। तो किसी कारण से किसान वापस नहीं कर सका तो उसका जो इंटरेस्ट पैनल इंटरेस्ट बढ़ के जो 1 लाख रुपये लिए थे उसका 10 लाख रुपये हो गया, कोई 3 लाख रुपये लिए थे उसका 40 लाख रुपये हो गया। किसान तो नहीं दे सकते। पिछले 8 महीने से लगातार बैंक के सामने किसान लोग धरने बैठे। कर्नाटक से जीते हुए हमारे बीजेपी के 25 MP कोई भी अभी तक इसका बारे में ना पार्लियामेंट में नहीं उठाया ना बाहर भी नहीं बोले। और सीतारामन, निर्मला सीतारामन कर्नाटक से जीत गए हैं, राज्यसभा से मेंबर है और मंत्री भी है, फाइनेंस मिनिस्टर। कम से कम निर्मला सीतारामन तो इसको उठाना चाहिए था, अभी तक नहीं उठाए। तो इसलिए अभी हम लोग डिसाइड किए हैं 21 तारीख को किसान संयुक्त मोर्चा के नेता राकेश टिकैत और यदुवीर सिंह और डॉक्टर सुनीलम, ये तीनों लोग बेल्लारी आएंगे। वहाँ पर बड़ा एक प्रोटेस्ट मीटिंग हो जाएगा। उसके बाद में 22 तारीख को सीएम साहब से मिलके हम मेमोरेंडम भी देने का काम करेंगे।